के 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे, ठीक है ना? तो हम आज से भी चालू करें तो हम वी हैव नथिंग टू लूज। ओके तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी आपके संघ सीए के संगठन हैं उनकी मीटिंग संगोष्ठियां बुला के उनको जोड़ना चालू करो और इनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताओ। हमारे जो वीडियो अच्छे लगते हैं वो वीडियो उनको दिखाओ और इसके बाद लोगों को जोड़ो। ओके और इसमें जो है इतनी सारी चीजें मिल रही हैं कि भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा, तो बहुत बड़ी चीज मिल रही है ना। गुलामों के नियम कानून से मुक्ति मिल जाएगी, इनकी मकारी से मुक्ति मिल जाएगी, सब चीज से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसको डिले मत करो। यू आर हैविंग वेरी लिटिल टाइम, सो यू ओके हैव टू बी वेरी मैथोलॉजिकली, और उनमें से अधिकांश लोगों को चंद्रगुप्त बनाने की कोशिश करो, राइट? तो वो अपने अपने एरिया में लग जाएंगे, जो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा वो जो है उसको विधानसभा का टिकट उसके घर पे पहुंचना है, तो उसको टिकट के लिए भी कोई भागदौड़ नहीं करना है। और जो अपना मॉडल कह रहा है कि हमारे सभी सदस्य चंद्रगुप्तों सहित अपने छत पर जाएंगे और अपने चंद्रगुप्त के फेवर में जो है थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और संकल्प लेंगे, तो जीतने के लिए भी अपने 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, तो हमें क्या दिक्कत है प्रयास करने में? कोई दिक्कत है? नहीं और बदले में हमें परिवर्तित भारत मिल रहा है, बदले में अपने नियम कानून और व्यवस्था बदल जाएगी। और जब आपके हाथों में शक्ति होगी तो ये टेक्निकल गैप वगैरह है ना, ये ऐसे 1 या 2 महीने में सेटल हो जाएंगे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करके। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? यू हाँ सर कैन वेरी इजीली इसको जमीन पे उतारने में कोई दिक्कत नहीं है जब आपके पास इंस्टीट्यूशनल शक्ति अवेलेबल होगी। चंद्रगुप्तों की कमी नहीं है, सॉरी चाणक्यों की कमी नहीं है। दे आर एन नंबर ऑफ द पीपल दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग वेरी इंटेंसिवली, जो अपने से भी जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो भी हैं। उनको एक छाते के नीचे लाके उनको अपने उनके जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो टास्क उनको दे देंगे। 3 महीने के अंदर वर्किंग मॉडल आ जाएगा, पब्लिक डिबेट कर देंगे, चंद्रगुप्तों के बीच में भी डिबेट कर देंगे और कानून बनाते जाएंगे। और ये इसलिए भी जरूरी है कि यदि हमें साउथ की एक स्टेट मिलती है एज ए वर्कशॉप, तो हमें 2024 में पूरे 543 जो है चंद्रगुप्तों को जिताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको संकल्प के साथ बता रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी हारेंगे, तो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हारेंगे। बल्कि हो सकता है कि तब तक यदि इनके ज्ञान चक्षु खुल जाएं तो माननीय नरेंद्र मोदी भी क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाएं। भाई 21 लक्ष्य तो देश के हित में है, तो 21 लक्ष्यों के प्रति यदि वो अपनी जो है समर्पण यदि बता देंगे तो क्राइम फ्री भारत मॉडल के तहत भी वो चंद नंबर वन तो हो ही जाएंगे। तो सर आई विल कॉल यू इन अनदर हाफ एन आवर। कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बिना विलंब किए हुए तुम पूरी शक्ति से लग जाओ। श्योर सर अनदर हाफ एन आवर मतलब आई विल कॉल यू। मुझे कॉल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यू एक्टिवेट योर डिफरेंट लीवर्स सो दैट आज से ही काम चालू हो जाए, श्योर क्योंकि सर श्योर इट इज वेरी क्लोज, यू कैन नॉट टेक टाइम। तो अपन को जो है ना, और हमें 9 दिन चाहिए केवल अपने को डेमोट, यदि 9 दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा, राइट? तो हमें कुछ महीने हैं वो मोर देन इनफ है फॉर आवर पर्पज। तो ये यदि हम आज भी स्टार्ट करते हैं तो विद इन 9 डेज वी विल बी मेकिंग अ डिफरेंस। तो लगा दो पूरी शक्ति, 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? हम देश श्योर हित की सर बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, गुलामों के नियम कानून के बदल की बात कर रहे हैं, हम जो है व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं जिसमें कि व्यवस्था में बैठे लोग जो है निर्णय पारदर्शी तरीके से लेंगे और गलत निर्णय लेंगे तो उन्हें क्षतिपूर्ति देना होगी, कंपनसेशन भी देना होगा। जहां चेक बाउंस नहीं होगी, जहां कोई दिवालिया नहीं होगा, जहां हर लोग व्यक्ति समृद्ध होगा, मतलब वो तो एक अलग अतुलनीय भारत होगा। और ये हम कुछ महीनों में करके दिखा सकते हैं। श्योर सर सर अनदर हाफ एन आवर आई कॉल यू। ओके श्योर श्योर, बट मैं चाहता हूं कि श्योर आज से आप बिल्कुल पूरे शक्ति से लग जाइए। श्योर सर श्योर राइट राइट, थैंक यू थैंक यू।